ऋषि कपूर के गुजरने पर दर्द बयां करते हुए जिस प्रियंका चोपड़ा ने ट्रिब्यूट देते हुए उन्हें ये कहा था कि वो पूरी तरह से सदमे में है क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन सबसे बड़ा नुकसान था फिल्म इंडस्ट्री के लिए और फिर पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले इरफान खान को सिर्फ 53 साल की उम्र में उनका चले जाना सबसे दुखदाई है। वहीं ऋषि कपूर के गुजरने से दुखी प्रियंका ने कहा कि उनके जैसा एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी नहीं बन सकता, वो बहुत ज़्यादा अनोखे थे, हंसाने वाले, बहुत ज़्यादा चार्म थे वो फिल्म इंडस्ट्री के। ऐसे में प्रियंका अपना दर्द छलकाती नजर आई और प्रियंका चोपड़ा ने पैसों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है कि वो पैसे के लिए, जी हाँ, लॉकडाउन में लग रहे खर्च को लेकर इंडिया के सपोर्ट में यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के तौर पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, अनएक्सपेक्टेड, अनकंट्रोल्ड, अनपैरेलल, द कोरोना वायरस हैज़ वॉक्ड द ब्रूटल पाथ अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द लाइन ऑफ फायर एज वेल यू मी एंड प्रेटी मच एवरी वन अक्रॉस द वर्ल्ड, लॉकडाउन, क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये है हमारा नया नॉर्मल, ये कहा है प्रियंका चोपड़ा ने। और इसी के साथ उन्होंने बताया है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए हर तरह से, एक सेलिब्रिटी के तौर पर और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पर।